नमस्कार, डीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। लो प्रेशर एरिया और मॉनसून ट्रफ के चलते एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 19-20 सितंबर तक प्रदेश में मौसम अच्छा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अक्टूबर तक मौसम एक्टिव रह सकता है। फिलहाल 2 सिस्टम एक्टिव हैं, हालांकि ये कुछ समय में कमजोर हो जाएंगे, जिसके चलते अब बारिश का दौर धीरे धीरे थम जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि एमपी में डीप डिप्रेशन के चलते बारिश हो रही है। वहीं मॉनसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी सक्रिय है। इन सिस्टम के चलते अगले 2 दिन तेज बारिश की संभावना है। 18 सितंबर को नीमच और मंदसौर को छोड़कर सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान शिवपुरी, मुरैना, भिंड और श्योपुर के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले दिन यानी 19 सितंबर को विदिशा, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इन जिलों में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर ही बारिश होगी। 20 सितंबर को धीरे धीरे मौसम में और बदलाव आएगा और कुछ जिलों में बारिश होगी, जिसमें भोपाल, विदिशा, श्योपुर, शिवपुरी समेत कई जिले शामिल हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़े के अनुसार रीवा में सबसे अधिक 98 मिलीमीटर वर्षा हुई। प्रदेश में कोटे से ज़्यादा बारिश हो चुकी है।